पंजाब पंजाब है, लाहौर लाहौर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं आईआरके न्यूज़। मैं मौजूद हूं इस वक्त कजाफी स्टेडियम, जहां पे इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस हो रही है और यहां पर मुख्तलिफ शुरका जो हैं मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं, इवन यहां पर सिख बरादरी के लोग भी नज़र आ रहे हैं। तो हम यहाँ की इंतज़ामिया से भी बात करेंगे और लोगों से बात करेंगे कि उनको यहाँ पर आकर कैसा फील हो रहा है, वो क्या जज्बात रखते हैं, ये उनसे बात करते हैं। हमारे साथ रहिए, हमारे साथ अमरजीत सिंह साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाह जी, आया नु कैसा लग रहा है जी यहाँ आके? अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, ते बड़ा वधिया। ए मेरी चौथी वारी है पाकिस्तान च, ते साड़ी माँ धरती है। साड़ी माता जी का जन्म हैगा लाहौर का, साड़े पिता जी का हैगा है गलोटिया कलान सियालकोट डिस्ट्रिक्ट, ते माइग्रेशन हो गए सन, ते उंज पंजाब पंजाब है। इत्थे दे लोग बड़ा प्यार करते हैं, मुहब्बत करते हैं, ते साड़ा दिल खुश होंदा है। इंडिया पंजाब पाकिस्तान पंजाब कोई फर्क नहीं है, बस एक ही साड़ी बोली भी एक, साड़ा कल्चर भी एक, साड़ा सब कुछ एक। तो अस कि है लीका पाया ने है उन्होंने सानू वखरा करता है, नहीं तो असं एक हूँ एक हाँ। लाहौर लाहौर है, लाहौर लाहौर है, लाहौर कोई थान नहीं है लाहौर दिया। अस क्यों कहने साड़ी माँ माँ धरती है लाहौर। लाहौर सानू बड़ा दिल तो लगता है, इतने किनिया चीज़ा इतिहासिक चीज़ा है ने लाहौर च, पाकिस्तान च, पंजाब च, इंडिया पंजाब च है। की पैगाम देना चाहोगे उन्होंने लोगों को जो समझते हैं इस टाइम लोगों को कि जरूरत है वे इस चीज़ की, कि कॉन्फ्रेंस होंगे रहन, लोग इकट्ठे होंगे रहन, बहते रहन, मिलते रहन? यह कॉन्फ्रेंस क्या होंदिया ने है बंद इकट्ठिया कर दया ने, इकट्ठिया करके हैं सवाल एक दूजे पूछ दिया ने, गल कर दया ने, बात कर दया ने, अगो यूनाइट कर दया ने, कोई ना कोई सानू साथ दे। जो इधर नहीं साथ देंगे ने है ना दूसरे मुल्क जाके सानू साथ दे, साड़ी माँ बोली की पंजाबी है उन्हें सख्ती रखनी चाहिए। असी अपनी कोशिश करांगे इहो काम करने से। हमारे साथ सर आमिर यूसुफ साहब मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे इस कॉन्फ्रेंस के बारे में, उनसे पूछते हैं, उनकी जानेब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तो बताइएगा कि इस कॉन्फ्रेंस की आप क्या समझते हैं, कि कितनी ज़रूरत है सोसाइटी के अंदर, या क्या मैसेज दे जाता है इससे? देखो जो तुम देखते हो कि थोड़ी माँ बोली हैगी और तुम्हारी माँ बोली जी है वो आहिस्ता 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 घट होंगी जा रही है, माशरे च उसकी अहमियत घट होंगी जा रही है, तो फिर जाहिर है थानू माँ के पुत्रां नू उठना पैंदा है, अपनी बोली वास्ते उठना पैंदा है। तो साढ़े जिहड़े नौजवान ने साड़ी जिहड़ी तंजीम हैगी पंजाबी प्रचार, यह भी अपनी माँ बोली के बचाव वास्ते तो उहदे वधाव वास्ते काम कर रही है। यह जिहड़ी इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इहदा भी बुनियादी मकसद तो यही हैगा आ कि असीं लोगों नू दसीए कि जिहड़ी माँ बोली आ साड़ी बड़ी मिठी माँ बोली हैगी, इहदा कल्चर बड़ा रिच हैगा आ, तुसी इहनू छड्डो ना, इस तो घबराओ ना, इहदे नज़दीक आओ, तुहानू पता लगेगा जिन्नी ज़्यादा मिठास माँ दे लफ्ज़ च हुंदी आ उन्नी माँ बोली दे विच वी हुंदी आ। ते तुसी इहनू बोलो, इहनू वरताओ और इहदे विच इहदा कल्चर नू इंजॉय करो। जे तुसी ज़ुबानां तो दूर हो गए तो तुसी अपने कल्चर तो भी दूर हो जाओगे, जिन्नी माँ बोली तो दूर होवोगे उन्नी ही अपनी माँ तो दूर हो जाओगे। तुसी असीं पुछना चाहुंदे आ कि किन्ने सालां तों इह कॉन्फ्रेंस हो रही है ते की अचीवमेंट ने हुण तक? असीं पिछले 10-12 सालों तो काम कर रहे हैं, यह जिहड़ी कॉन्फ्रेंस है इस नाम तो पहली दफ़ा हो रही है, लेकिन इस तो पहले असीं मुख्तलिफ प्रोग्राम कर चुके हैं पंजाबी जुबान वास्ते ही, और उहदे राहीं असीं पैगाम दिंदे रहे हैं कि तुसीं माँ बोली का बचाव और वधा करो। और साड़ी इस तंजीम ने पंजाब हाई कोर्ट में असीं रिट भी दायर की, एक मुकदमा भी पेश किया कि पंजाबी जुबान नूं जिहड़ी ज़रिए तालीम बनाया जाए पंजाब विच, क्योंकि पंजाब वाहिद सूबा हैगा आ जिथे पंजाबी जरिए तालीम नहीं हैगी। तो असी फिर दरखास्त की पंजाब हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट का फैसला मौजूद हैगा आ कि पंजाबी जुबान नू स्कूलों तो लैके बीए तकर पढ़ाया जाए, और असी हुण कोशिश कर रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का जिहड़ा फैसला हैगा आ इहनू अमली सूरत च नाफज किया जाए तालीमी इदारियां दे विच, ताकि जिहड़ी साडी जुबान नू ज़्यादा वधा मिल सके। वेख्या कि इतने सिख भी मौजूद ने, मुख्तलिफ कम्यूनिटी के लोग मौजूद ने, मुख्तलिफ मुल्कों के लोग मौजूद ने, तुम की समझते हो कि कितनी वड्डी कामयाबी है पूरी दुनिया के अंदरों पंजाबी कल्चर
एक जगह से पंजाबी माँ बोली के रखवाले इकट्ठे होए ने, तो तुम की समझते हो इस अचीवमेंट से की कहना चाहोगे? देखो पंजाबी तो बुनियादी तौर पर है कि यह बुले शाह का पैगाम हैगा आ, यह वारिस शाह का पैगाम हैगा आ, यह बाबा फरीद का पैगाम हैगा आ, यह बाबा गुरु नानक का पैगाम हैगा आ, और उन्हें का पैगाम तो मुहब्बतों का पैगाम हैगा आ, अमन का पैगाम हैगा आ, भाईचारे का पैगाम हैगा आ, तो साड़ी असी इस जबान के राही मुहब्बतों का अमन का भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं। इसलिए तुम देखते हो कि अमरीका चो, कैनेडा चो, ऑस्ट्रेलिया चो, यूके चो, पाकिस्तान तो सारे लोग कट्ठे हुए ने ताकि वो ये दस सकन कि असी एक मजबूत जुबान हैगा हैं, असी इस जुबान नू मरन नहीं देवांगे, असी इस जुबान नू खत्म नहीं होन देवांगे। तुसी वेख्या है कि पंजाबी बोली माँ बोली दे रखवाले अज भी मौजूद ने और बकायदा मेहनत कर रहे हैं कि पंजाबी बोली बोलन वाले एक जगह पर इकट्ठे होवन, एक दूजे नाल गल्लां करन, एक दूजे नाल अपने दुख सुख वंडन, तो इकट्ठे बह के इस माँ बोली के बचाओ वास्ते कोशिश करन। अब तक इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।